सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। विधायक डॉक्टर बालाजी केलकर के फंड से यहां के कैंप क्रमांक 5 के नेहरू नगर इलाके में कई वर्षों से मस्जिद को जाने वाला रास्ता की हालत खस्ता थी और मुस्लिम भाइयों को मस्जिद में खासकर बारिश में बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इन सभी बातों को देखते हुए केलकर ने ये रास्ता बनाने के लिए निधि उपलब्ध कराई और जल्द ही इसका काम शुरू होगा, उक्त जानकारी पूर्व स्थायी समिति सभापति विजय पाटिल ने पत्रकारों को दी। कार्य सम्राट आमदार बालाजी केनेकर साहेब यांनी इथं 15 नेहरू नगर या ठिकाणी 15 लाखाचा रस्ता अल्पसंख्याकांनी मंजूर करून दिलेला आहे। तरी तातडीने हा रस्ता नेहरू नगर मध्ये चालू करण्यात येत आहे। केनेकर साहेब खास करून विठ्ठल नगर मध्ये ही 15 लाखाचा दिलाय आणि आमदार साहेबांनाही वरनही असा खासदार साहेबांचा आदेश आहे की आपल्या वार्डामध्ये इकडे जे जे काम असतील ते लवकरात लवकर द्या आणि जेवढा फंड पाहिजे तेवढा फंड आम्ही द्यायला तयार आहे। या कारणास्तव केनेकर साहेब पूर्ण 5 नंबर मध्ये फिरून अंबरनाथ मध्ये फिरून जिथे जिथे गरज असेल रस्त्यांची नाल्यांची तिथं तिथं फंड देण्यासाठी तत्पर आहे। पैसा भरपूर आलेला आहे। साहेबांनी असं सांगितलं आम्हाला की तुम्हाला कुठं कुठं जेवढा फंड पाहिजे असेल आम्ही द्यायला तयार आहे। तर आमदार साहेबांनी कार्यसम्राट आमचे आमदार आहेत तर आमदार साहेबांनी हा रस्त्याचं काम चालू करण्यासाठी फंड दिलेला आहे आणि लवकरात लवकर 2 कार्यक्रम चालू होईल। 2 दिवसात ओपनिंग करून हा रस्त्याचं काम आणि नाल्याचं काम विठ्ठल नगरलाही आणि नेहरू नगरलाही आणि 5 नंबर मध्ये इतर ठिकाणी सुद्धा लवकरात लवकर काम चालू होतील 8 दिवसात। जी कितने दिन से तकलीफ था आपको, अभी क्या हो रहा है आपके एरिया में? हम लोग जब से इधर बसे लगभग तकलीफ ही तकलीफ था, लेकिन अभी हमारे नगर सेवक साहब की कोशिश से नेहरू नगर लाख नगर नंबर 5 में जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, इनका कहना है कि मतलब 2, 4, 6, 8 दिन के अंदर ये रोड का काम विधायक जी के थ्रू से नगर सेवक साहब हम लोग को रोड बनाएंगे, उनके लिए आपको शुभकामना और धन्यवाद। क्या तकलीफ दूर होने वाली आपकी? रोड बन जाएगा, वही तकलीफ दूर हो जाएगी। हम लोग का धंधे पानी आने जाने का गाड़ी घोड़ा सब आराम हो जाएगा, आराम ही आराम होएगा।